हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर। आज कुछ खास, कुछ विशेष बात आप लोगों से करेंगे। ग्रामर के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, जिनमें अक्सर मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है। हो सकता है शायद आप भी कंफ्यूज होते हों, लेकिन आज इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद आप जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए बच्चों, आज इन वर्ड्स को खूब अच्छे से सीख लीजिएगा। इनको अपने वोकैबुलरी में इस तरह से घोल लीजिएगा कि आपको कभी इस तरह के शब्दों से आने वाली समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड की बात करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, जैसे कि लाइफ, लाइफ और अलाइव। लाइव, लाइफ, अलाइव, इन तीन वर्ड्स की हम लोग बात करेंगे आज खूब अच्छे से। अक्सर मैंने बच्चों को कन्फ्यूज होते देखा, बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब है, कौन इनमें से नाउन है, कौन इनमें से एडजेक्टिव है। आपको ये सब क्लियर करूँगा मैं बहुत अच्छे से बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी। यस बच्चों, चलिए देखते हैं इसको ध्यान से, क्या है ये वर्ड आपका। कितने बच्चे अब तक यहाँ पर कन्फ्यूज हुए हैं इसको लेकर के, और कितने बच्चों को अभी तक यहाँ पर कन्फ्यूज होना पड़ रहा था। अभी आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, मैं साफ साफ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। बच्चों सबसे पहले तो ध्यान रखें, एल आई वी ई, इसकी प्रोनंसिएशन जो हैं दो हैं, इसकी प्रोनंसिएशन दो हैं। एक तो है इसकी प्रोनंसिएशन लाइव, क्या है इसकी प्रोनंसिएशन, लाइव, 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 लाइव। जब आप इसको प्रोनंशिएट करेंगे लाइव, ऐसे में एक काम करेगा एडजेक्टिव का, किसका काम करेगा एडजेक्टिव का। और जब आप इसको प्रोनंशिएट करेंगे लीव, क्या करेंगे लीव, ऐसे में ये काम करेगा वर्ब का, किसका वर्ब का। लाइव एडजेक्टिव, लीव वर्ब, आपने अक्सर इसको यूज किया होगा, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि कहाँ ये नाउन है और कहाँ ये कहाँ ये वर्ब है और कहाँ ये एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं बच्चों इसको खूब अच्छे से। आपने कहा आई लीव इन सहारनपुर, आई लीव इन सहारनपुर, मैं सहारनपुर में रहता हूं, मैं सहारनपुर में रहता हूँ। सहारनपुर बच्चों मेरे सिटी का नाम है, तो मैंने उसी का नाम लिख दिया, आई लिव इन सहारनपुर, आई लिव इन सहारनपुर। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही लिव्स इन कटरा, वह कटरा में रहता है, वह कटरा में रहता है। यहाँ पे लीव आपका एज ए वर्ब काम कर रहा है, और यहाँ पे भी बच्चों लीव जो है आपकी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, याद रखना। लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल में रहती है। आप इसको सिंगुलर बनाएंगे तो आपको इसमें ऐसे एस लगाना पड़ेगा, ये बनेगी आपकी सिंगुलर वर्ब। क्या बनी आपकी ये सिंगुलर वर्ब, इसलिए मैंने ही के साथ लीव्स, ही के साथ लीव्स और आई के साथ लीव का इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं इसको एज ए एडजेक्टिव। जब आप बात करेंगे इसको लाइव की, किसकी लाइव की, लाइव, देयर, देयर इज अ लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट इन आगरा, देयर इज अ लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट इन आगरा। बच्चों यहां पे म्यूजिक एज ए नाउन और नाउन से पहले आने वाला आपका वर्ड कहलाया एडजेक्टिव, क्या कहलाया एडजेक्टिव। तो लाइव यहां पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे अगले वर्ड्स की, जो इसी में था, वो था आपका लाइफ, क्या था आपका लाइफ। याद रखिएगा बच्चों, लाइव का जब आप ऐसे इस लगाएंगे तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा लाइव्स, और जब आप लाइफ एक नाउन है, लाइफ क्या आपका एक
नाउन, लाइफ क्या आपका एक नाउन, जब आप इसमें एस एस लगाएंगे तो बन जाएगा लाइव्स, ये भी रहेगा नाउन लेकिन प्लुरल नाउन, कौन सा नाउन रहेगा प्लुरल नाउन, ये रहेगा आपका सिंगुलर नाउन, कौन सा नाउन रहेगा सिंगुलर नाउन। अब इसकी बात करते हैं, आप एक बार इसको ढंग से कॉपी कर लीजिएगा, सिंगुलर नाउन लाइफ, प्लुरल नाउन लाइव्स। बच्चों आपने पढ़ा है कि जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है उनको प्लुरल बनाने के लिए वी ई एस लगाया जाता है, वही मैंने किया यहाँ पे। यस बच्चों चलिए शुरू करते हैं इसकी बात, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। लाइफ आपका एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, उसका इस्तेमाल देखिएगा, आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर की लाइफ के बारे में एक बुक पढ़ रहा हूं। यहां पे लाइफ आपका एज ए नाउन काम कर रहा है। यहां एक और देखेगा एग्जाम्पल, ही हैज फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ, ही हैज फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। बच्चों आपको पता है हिज आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का आना जरूरी है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये लाइफ आपका नाउन ही है। थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सा बच के रहना बच्चों, जरा कैसे ध्यान दीजिएगा, जब आपने लाइव में एस आई एस लगाया तो ये बना सिंगुलर वर्ब, क्या बना आपका ये सिंगुलर वर्ब प्लुरल वर्ब, और जब आपने लाइफ में एस या ई एस लगाया तो ये बना आपका प्लुरल नाउन सिंगुलर नाउन। यस बच्चों हमेशा याद रखना, बस आपको डिपेंड करता है कि उसका यूज किस तरह कर रहा है। बच्चों अगर कभी भी ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहा है, अगर कभी भी अगर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहा है तो ये कहलाएगा आपका वर्ब, क्या कहलाएगा आपका ये वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है तो भी आपका कहलाएगा वर्ब ही, ऐसे में काम कर जाएगा मेन वर्ब का, वैसे तो ये मेन वर्ब ही है। दो तरह से आप इसको पहचान सकते हैं एज ए वर्ब। अब बात करते हैं तीसरे वर्ड की, जो था आपका अलाइव, क्या था आपका अलाइव, अलाइव। ऐसा लगता है लोगों को देखने में कि ये भी सर लाइव का ही भाई है, लेकिन बच्चों यहां पे अलाइव के मतलब अलग है और लाइव के मतलब अलग। ये बच्चों अलाइव आपका एक एडजेक्टिव है, अलाइव आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट डेड, यानी कि कोई चीज अलाइव है, जीवित है, मृत नहीं है। ये बच्चों कोई चीज जीवित है, लाइव है, मृत नहीं है, नॉट डेड। जैसे कि द डॉग इज अलाइव, द डॉग इज अलाइव, यानी कि डॉग मरा नहीं है, डॉग जिंदा है। यहां पे ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है आपका, द डॉग इज अलाइव। यस बस इसका यूज तो थोड़ा कम, लेकिन कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे इससे कई बार एग्जाम में, क्लोज टेस्ट के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर खास कर याद रखिएगा, लाइव अलाइव और लाइव को देख करके बहुत मिस्टेक दी जाती है, इससे बच के रहिएगा। चलते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड है हमारे, चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑलरेडी और यट, ऑलरेडी और यट, इन दो शब्दों को पढ़ते हैं ऑलरेडी और यट। बच्चों इन दोनों ही सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों ही वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में, यानी कि आप बात करें जब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की,
वर्ब की थर्ड फॉर्म की। जरा देखते हैं इनको कैसे कैसे अंतर में रखें आप लोग। ऑलरेडी, येट। ऑलरेडी का इस्तेमाल किया जाता है ओनली 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 अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। येट का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे अफर्मेटिव में, येट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जरा देखिए किस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। I have already finished my work. I have already finished my work. मैं अपना काम पहले ही खत्म कर चुका हूँ। यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, आपने इस्तेमाल किया ऑलरेडी का। I have not finished my work yet। सेंटेंस था आपका नेगेटिव, इसलिए आपने इस्तेमाल करा yet का। yet का यहाँ पे मीनिंग होगा अभी तक। क्या होगा यहाँ पे इसका मतलब? अभी तक, मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। Have you finished your work yet? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ऑलरेडी का इस्तेमाल आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जबकि येट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। बहुत सिंपल सा यूज है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कंफ्यूज करते हैं आपको, उनको देखते हैं आप। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन वाला वर्ड है आपका, वो है आपका आफ्टर और लेटर। इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं बाद के अर्थ में। किसके अर्थ में? बाद के अर्थ में। लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है, आप इससे बच के रहिएगा बच्चों। आफ्टर के बाद में फ्रेज का आना अनिवार्य है। आफ्टर के बाद में फ्रेज का आना अनिवार्य है, जबकि लेटर आपका अलोन यूज हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा ही। आफ्टर के बाद में किसी फ्रेज का आना अनिवार्य है, जबकि लेटर आपका अलोन यूज होगा। जरा देखिए कैसे। आई विल कॉल यू लेटर। I will call you after I get home from work। Okay student, so बहुत अच्छे से याद रखिएगा, लेटर का आप अलोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आफ्टर के बाद प्रेजेंट का आना जरूरी है।